I've fallen in love with I love. I love. El bole, wow. गिंडी चेन्नई का एक मुख्य सबब, एक दिन में लाखों की भीड़ इस एरिया से गुजरती है। गिंडी का नाम सुनते ही पुराने लोगों को घोड़े याद आते हैं, लेकिन चेन्नई में कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ घोड़ों के टापों की आवाज आज तक बंद नहीं हुई। करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है इस रेस कोर्स में। यहाँ 1 लाख हारने से कहीं ज्यादा खुशी 1000 रुपए जीतने में मिलती है। जो यहाँ लाखों रुपए कमाने का हौसला रखता है, उसकी ही इस भीड़ में आने की हिम्मत होती है। उनके लिए घोड़े ही भगवान है, रेस ही रिवेंज है। यहाँ घोड़ों का जीतना हॉर्स ओनर्स को और हाई सोसाइटी के लोगों के लिए प्रेस्टिज की बात है, लेकिन जीतने के लिए यहाँ एक नया तरीका निकला है। घोड़े को दौड़ाकर जीतना या फिर जीतने वाले घोड़े को ही दौड़ने से रोकना। माइकल राज, तुझे मेरी जान और घोड़े की जान में फर्क नहीं दिखता? भारी बरसात में बिना रुके दौड़ने वाले इस रेस में हमें लगता है कि घोड़े की रफ्तार से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ घोड़े के साथ ही नहीं होता। यहाँ बैठ कर के जीतने या हारने पर मिलने वाली किक से उस पर दांव लगाने वाले का भी ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है।
यहाँ के लोग सिर्फ यहीं पर बेट नहीं करते, जहां भी रहते हैं बेटिंग करते रहते हैं, वो किसी के भी साथ कर सकते हैं। भाई अब तुझसे नहीं होने वाला है, लगता है भाई पुलिस आ रही है। ए, क्या कर रहे हो? दिखने में तो तुम लोग शरीफ घर के लगते हो और बीच सड़क पे लाइटें तोड़ रहे हो। केस किया तो 2500 भरने पड़ेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। 2500 रुपयों के लिए गेम आधे में छोड़कर तो नहीं जा सकते ना सर। क्या बकवास कर रहा है? स्ट्रीट लाइट को अगर आप एक ही शॉट में तोड़ दो तो 25000 रुपए मैं आपको दूंगा। तो हो जाए। पहली चाल आपकी। इस लाइट को तोड़कर 25000 रुपए ले लीजिए। सर कलेक्शन भी इस समय काफी कम है, ट्राई कीजिए ना, थोड़े पैसे आ जाएंगे। पुलिस से शर्त लगाएगा। सर आज का कलेक्शन मेरा, बेट लगाते हो क्या? एक ही शॉट में इस लाइट को तोड़ दूंगा, मंजूर है? सर ये लड़का पूरी तरह से टुन है, पक्का आप ही जीतेंगे। क्यों बे, आज की पार्टी हो जाएगी ना? हो जाएगी भाई। में विक्रम नाम के क्लाइंट से मिलना है। वो तो अभी अभी निकल गए। दूर अब मंजिल नहीं है, जीत भी मुश्किल नहीं है, वीरों का ये खेल है यारो, इसमें कोई बुज़दिल नहीं है। खेल है सभी यहाँ, खिलाड़ी जो कि यहाँ टिका है उसी।
कॉल आ रही है। विक्रम कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट है। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं इसके पास। इसे बैंकों से हर रोज 50 कॉल्स आते होंगे। प्लीज पे द क्रेडिट कार्ड बैलेंस। श्रीधर तिरुचि का रहने वाला लड़का है, थोड़ा होम सिक है। क्या हुआ बोलना। ए, तुम्हें याद करके माँ बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, माँ से कह दो कि मैं चेन्नई आ गया हूँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। इसकी एक ही दोस्त है, वो है इसकी बहन। कुछ लोगों के संस्कार उनके व्यवहार में ही दिखते हैं, और श्रीधर बचपन से ही निहायत ही शर्मिला है। लड़कियों के नाम से ही 10 फीट दूर रहता है। हेलो। ए दिलीप, कहाँ पर है तू? अरे सॉरी यार, टेंशन में भूल गया था कि तू आ रहा है। बाजू में देख एक शूरक रखा है, किसी एक शू में तुझे की मिल जाएगी। तू घर पर ही रुकना, मैं आ जाऊंगा। क्यों कर रही हूँ? मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा। क्यों नहीं है? अरे लेकिन क्यों? उसने कुछ और कहा होता तो मैं मान भी लेती। पर ऐसा क्या कह दिया उसने? हमारी पर्सनल बातें उसे कैसे पता? अरे मेरी बात तो सुन। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? पूछने के लिए फोन किया था। अगर तुम्हें वो रूम पसंद ना आया हो तो मैं अपने फ्रेंड का एड्रेस तुम्हें भेज रही हूँ, वहाँ जाकर रुक सकते हो। ओके, कल बात करते हैं, बाय। कौन तुम? श्रीधर हो ना? हाँ मैं ही हूँ। उसने जॉगिंग पर जाने से पहले तुम्हें चाबी देने के लिए कहा। ओके थैंक यू। अब ये कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाय। किससे मिलना है? प्रभा। प्रभा जॉगिंग के लिए गया हुआ है, मैं उसका गेस्ट हूँ। आपको अंदर नहीं बुला सकता, सॉरी गलत मत समझना। नहीं, प्रभा श्रुति की फ्रेंड प्रभा शेखर मैं ही हूँ। इसका मतलब प्रभा शेखर ये है? एक्सक्यूज मी। अब सबसे पहले यहाँ से भागना होगा। श्रुति ने सुबह ही फोन किया था कि आप आज ही ऑफिस ज्वाइन करोगे। चाय? नहीं आदत नहीं है, फिर भी शुक्रिया। फर्स्ट डे ऑफिस जा रहे हो और इतना सारा लगेज, रूम सेट होने के बाद लगेज आराम से ले जाना। शाम को मैं ना रहूं तो आंटी से चाबी ले लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके। ये मेरा जॉइनिंग लेटर। नाम क्या है? श्रीधर। न्यू जॉइनिंग? हाँ सर। इस फॉर्म को फिल कर दो। हाँ ठीक है सर। तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलना है। ओके सर। ओके सर। सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना ही आ गया यहाँ कैंटीन। इट्स एट द फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू सर। मैडम ये अभी नहीं मिल पाएगा। क्यों भाई, ब्रेड ऑमलेट में नमक नहीं पड़ता क्या? नमक नहीं है, डाला होगा सर। लग तो नहीं रहा। सुनो भाई, यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ जिसके ऑमलेट में नमक नहीं है। भाई साहब जो खा रहे हैं ना उसमें भी नहीं है। शरद श्रीधर, सच कहूँ तो दलिया ही सबसे सही ब्रेकफास्ट है। चल हट। सीरियसली? ये लोग सारी रात पब और बार में घूमते रहते, आपस की बातें शेयर करके पागलों की जैसे हंसते रहते। अब ये लोग क्यों हंसते हैं, किसके लिए हंसते हैं कुछ भी नहीं पता।
इधर आओ ना, इनसे ना 2 फीट दूर ही रहना चाहिए, वरना सैलरी मिलते ही उनपे एक ही रात में उड़ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे तुम रह कहाँ रहे हो? मैं अपने दोस्त के भरोसे आया था, लेकिन रूम सेट नहीं हुआ। अरे यार, पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रूम मिलेगा क्या? अरे ये हुई ना बात, मैं भी ना रूममेट को ही ढूंढ रहा हूँ। आज हाउस ओनर से एक बार पूछ लेता हूँ, कल वहाँ पर आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलो यार। क्या हुआ मिनी, बहुत जल्दी में हूँ। क्लास के लिए देर हो रही है फादर, टीचर लेट हो सकती है क्या? That's cool. God bless. Bye, bye. इच्छा नहीं हुई, लेकिन अभी इच्छा हो रही है यार। किसकी इच्छा हो रही है? वो लड़की साइड स्टैंड हटाए बिना ड्राइव कर रही है। मैडम साइड स्टैंड हटा लीजिए। थैंक्स। हेलो, आपका साइड स्टैंड। भाई तूने देर कर दी। तुझे ही देख रही है वो। हाँ बोल भाई। ए विक्रम, एमडी से मिलने के लिए प्रेम सीधा तुम्हारी साइड पर आ रहा है। अरे यार वो वहां क्यों गया? ठीक है मैं संभालूंगा। ए भाई फोन पकड़। वो थर्ड फ्लोर का कॉर्नर का फ्लैट रेडी हो गया? हाँ रेडी हो गया सर। सुन भाई, ये एमडी सर कौन सी फ्लोर पे हैं? एमडी फोर्थ फ्लोर पे, उनकी केबिन है, जाइए। भाई कैसे हो आज यहाँ कैसे? वो क्या है कि मटेरियल दिए 2 महीने से ऊपर हो गए और पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया, इसलिए एमडी से मिलने मैं खुद ही चला आया। एमडी भी आपसे मिलना चाहते थे भाई। मुझसे मिलना चाहते थे? वो क्या है ना भाई, एमडी के पास पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो खुद ही आपसे मिलकर टाइम मांगना चाहते थे। लेकिन भाई मैंने तो सीधे बोल दिया है, नवंबर 26 तक चेक क्लियर करना होगा। पता नहीं क्या सोच रहा है। इतनी दूर से आए हो तो एमडी से मिलकर ही जाइए ना। नहीं नहीं, तुम तो कह ही रहे हो ना कि 26 नवंबर को चेक मिल जाएगा, इतना इंतजार किया तो और सही। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके भाई। मिलने के बाद कहीं और ज्यादा टाइम ना मांगना। देयर इज नो मैन विदाउट मैडनेस एंड वीकनेस। नकुल नया खिलाड़ी नहीं है, शक्ति थोड़ा ज्यादा ही है और दया बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है, मुहूर्त भी देखने की आदत है, लेकिन इसके सारे मुहूर्त घोड़े से संबंधित होते हैं। अंग्रेजों के जमाने से रेस के खेल के शौकीन घराने से है, सपनों में भी सिर्फ घोड़े ही आते हैं। एक रेस में उसके फेवरेट घोड़े के हारने की वजह से उसने 5 सालों तक रेस में हिस्सा नहीं लिया। इस बार होने वाले रेस में अपने घोड़े ब्लड रेन को रेस कोर्स में उतार कर सिर उठाकर राजा की तरह चलने का इसका सपना है। रेस में अपने कॉम्पिटिटर का एक घोड़ा है, नाम है माया। ओनर का नाम क्या है? शर्मा, बेसिकली वो हॉर्स ट्रेनर है। तो उसी से मिलते हैं।
ट्रेन घोड़े के ऑनर नकुल को आपसे मिलना है। पूछ रहे थे कि आप कब मिल सकते हैं। माया माया गेट मी अ वाइन प्लीज। What's the day? Fine. लड़कियों के दारू पी रही है। आप भी थोड़ी लेंगी क्या? नहीं आदत नहीं है। Thanks. ऐसा क्या गलत पूछ लिया? चाय। खुद तो बेशरम की तरह दारू पी रही है और मुझे भी दारू पीने के लिए कह रही है। बेवड़ी कहेगी। ये तो यही लुढ़क गई। अपने रूम में क्यों नहीं गई? ए भाई कहाँ है तू? मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फ्यूचर में न जाने किसके गले पड़ेगी। नहीं नहीं देखिए आप जो मुझसे पूछ रहे हैं इस समय जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अपने सही टाइम पे जा रही है और मुझे लगता है कि वो अच्छा है। हे बजरंगबली कहां से आ रहा है यार? ऑफिस से आ रहा हूँ यार। इस टाइम पे? सच बोल रहा है तू? हाय। क्या हुआ दीदी? टायर पंक्चर हो गया है। दरअसल भाई बाहर गए हैं और मैं ठीक से बना नहीं पाऊंगा इसीलिए आप गाड़ी सुबह लेकर जाना। सुबह नहीं कल शाम को आती हूँ। ठीक है छोड़ दीजिए। शाम तक पक्का रेडी करके रखना। हाँ, हो जाएगी। हे विकी साइड स्टैंड वाली। हाँ बोला। लगता है टायर पंक्चर हो गया। टायर पंक्चर हो गया यार। तुझे किसने अकेले जाने के लिए कहा था? क्या करूं क्लास लेकर आ रही थी। मुझे क्या पता था कि टायर पंक्चर हो जाएगा। ठीक है आजू बाजू में किसी से पूछ लो कि बस कब तक आएगी। लास्ट बस कब तक आएगी? लास्ट बस आएगी। हेलो टाइम तो हो ही गया है। हेलो मैं समझ गया भाई तेरे मन में क्या चल रहा है। यार लास्ट बस तो चली गई ना तो फिर ये कैसे बोल रहा है? अबे ये चिड़िया के लिए दाना डाल रहा है। पूछा है बोले आने वाली है। किससे पूछा? कुछ लड़के खड़े हैं उनसे। क्यों? जरा घूमकर देख वो तुझे लाइन मार रहा है क्या? क्या हुआ देख रहा है ना? हाँ देख रहा है। उसने उल्लू बनाया है तुझे बस नहीं आएगी। क्या? एक काम कर ऑटो लेके घर आ जा। कोई बस आएगी या नहीं? बस तो नहीं आएगी फ्लाइट आएगी। ए, चुप। ए शंकर कहां पर है? ऑटो। जरा रुको मैडम। विक्की तू नहीं आ रहा है क्या? सवारी मिल गई है ना तुझे तू निकल। हाँ
वो ऑटो से नहीं चलते भैया, यहाँ खड़े होकर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए। सॉरी, मुझे नींद में लुढ़कने की बीमारी है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, प्लीज गलत मत समझना। क्या? अगर ये सब मुझसे हो जाता तो तुम क्या करती? चिल्लाती नहीं क्या? मतलब मैं जानबूझकर तुम्हारे बगल में आके लेटी ये कह रहे हो? ये तो तुम्हें ही पता होगा ना, दारू कम पीती तो ये नहीं होता। दारू पी है? अरे वो एपी है। मैं तुम्हें दारू पीने वाली लड़की लगती हूँ क्या? देखो तुम गलत सोच रहे हो। गलती आपने की है और ऐसे बोल रही हो कि जैसे गलती मैंने की है। तो फिर तुम कह रहे हो कि मैं जानबूझकर तुम्हारे बगल में लेटी? हाँ, मुझे क्या पता, आप ज्यादा जानती हो ना। तुम्हारी ये सोच है ना, तो फिर तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हेलो, कहोगी तो भी नहीं रुकूंगा। मैं खुद तुम्हारे बगल में आके लेटूं? इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। इतनी रात को एक लड़की के घर से बाहर निकलोगे तो पता है ना लोग क्या क्या बातें करेंगे, इतना तो जानते हो ना। तो उसमें मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं सर, मैं बस अपनी परेशानी बता रही हूं। गलत करोगी तो परेशानी तो होगी ना। ये सब मेरे बाजू में लेटने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुमने मुझे सॉरी कहा ना तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये मेरी बैग में कैसे आया? हेलो, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊँ तुमसे क्या? आप कहीं भी जाएं सर, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जाने से पहले अपना चूहा साथ लेकर जाइए। क्या कहा, फिर से बोलो। जो चूहा छोड़ा है ना उसे साथ लेकर जाओ। दारू पीने वाली लड़की तो बना ही दिया है, अब क्या चूहा भी छोड़कर जाओगे? आपकी परेशानी यही है ना कि चूहे को साथ में ले जाना, बस इतना ही ना। हाँ इतना ही, उसे साथ ले जाओ। तेरी चाल चलना। ए, रानी को मारना। अरे रानी तेरी नहीं, मेरी है। गुड यार, अच्छा शॉट। हाँ ठीक है, तेरी चाल है। हाँ मेरी चाल है। हाय, जरा उधर देख। हाय। किस बात का हाय? बस कब आएगी ये बताने आए हो? नहीं, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। क्या सॉरी? लेट नाइट बस स्टॉप पर एक लड़की को अकेली खड़ी देखकर लाइन मारते हो? सॉरी कहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऑटो। अरे विकी, वो ऑटो में बैठने वाली है, कुछ कर। तुमने लाइन नहीं मारी? क्या कहा तुमने? अगर तुमने लाइन नहीं मारी थी तो मैं लाइन मार रहा था, ये तुमको कैसे पता? तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें पहले लाइन मारी? ऑटो चला गया। ऑटो? कल भी तुम्हारी वजह से ही मुझे परेशानी हुई थी। कल मेरी वजह से क्या परेशानी हुई थी? मैंने एक ऑटो मंगाकर सेफली आपको ड्रॉप करवाया था। वो सब मुझे नहीं पता, पर आज मेरी ऑटो तुम्हारी वजह से मिस हुई है। ओके,
आज ऑटो मिस होने की वजह मैं हूँ। चाहो तो मेरे पास एक ऑप्शन है। कैसा ऑप्शन? मैं खुद आपको ड्रॉप कर देता हूँ। भाई इसने मौका पकड़ चौका मार दिया। कहाँ जाना है मैडम? भैया अलीबाग चलोगे? क्या अलीबाग? नहीं चलोगे ना? हाँ मजाक करते हो मैडम, मुझे रुकना ही नहीं चाहिए था। टू मिनट्स, मैं बाइक लेके आता हूँ। बाइक पर वन साइड बैठने वाली लड़की मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा नाम? विक्रम। मोबाइल नंबर? यस 9841066456। क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम और मोबाइल नंबर अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ। क्यों? हाँ हम कहाँ पर हैं? अगर ये आपके करीबी लोगों को पता रहे तो सेफ रहने की फीलिंग आती है ना? इसके अलावा रात को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते समय कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारा नाम पूछे और मुझे नहीं पता तो कितना बुरा लगेगा ना? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। हाँ हमें कोई गलत ना समझ ले इसीलिए। अभी चर्च जाओगी? मेरा घर यही पास में है। थैंक्स। किस लिए? चर्च आई हो ये भी कह सकती थी ना, लेकिन घर यही है ये बताने के लिए थैंक्स। तुम इतनी दूर तक ड्रॉप करने आए, तुमसे झूठ बोलने का मन नहीं किया। थैंक्स। हेलो, ये क्या ऐसे ही चली जाओगी क्या? अनजान लड़के के साथ बाइक पर आ गई और अपनी सेफ्टी के लिए मेरा नंबर भी ले लिया। मैंने भी तो एक अनजान लड़की को ड्रॉप किया है, कल मेरे पास कोई इंक्वायरी आई तो हाँ मैं क्या करूँगा। नाम क्या है? मिनी। नंबर? मेरी सेफ्टी के लिए 9790444543। हेलो, एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगी ना? नाराज होना होता तो जब नंबर मांगा तभी हो गई होती, जो भी कहना है कह दो। मैंने लाइफ में एक अच्छी लड़की को पहली बार देखा, वो स्कूटी पर साइड स्टैंड हटाए बिना जा रही थी। बताने के लिए मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन उससे पहले उसने साइड स्टैंड ठीक कर लिया। लेकिन वही लड़की मेरी बाइक पर बैठकर मेरे साइड स्टैंड को ठीक करने के लिए कहेगी, ये मैंने सोचा नहीं था। ये हमारी भाभी बनी की ना? क्या बात है, कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है। अपना ये चूहा पकड़ो और मेरा घर खाली करो, यही डेरा मत डालो। चूहा पकड़ने के बाद एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर तुम्हें कोई डिस्टरबेंस है तो बताओ, मैं अभी चला जाता हूँ। सर, हाँ? चूहा नॉन वेजिटेरियन होता है ना? नहीं, आई थिंक वो दोनों खाता है। शुरुआत करूं समझ नहीं पा रहा, सॉरी कह दूं क्या? प्रभा, उस दिन गलती से मैंने तुम्हें वन सेकेंड
प्रभा शेखर आपका कुरियर है। थैंक यू। बैंक से आया है। दिस इज द फाइनल नोटिस। लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 45 लाख 26 ऑफ नवंबर। रिचा बैंक से लेटर आया है। क्या है उसमें? लास्ट डेट डिक्लेयर कर दी है। ठीक है ऑफिस आ जा, देखते हैं। ठीक है ओके। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए या कुछ अर्जेंट हो तो कॉल कर देना, बस इसीलिए। बाय। तुझे भी आज ही फंसना था। जिप लगा लो। सर आपने बोला था कि आप गेस्ट हैं और बात अब जिप बंद करने तक आ गई। सर मैं प्रभा से बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो तुझसे प्यार करती है क्या? नहीं ना। हाँ तो चल जा अपना काम कर। क्या सर आपने अपना रंग दिखाई दिया ना, मतलब उसे सेट कर लिया ना? हाँ सेट हो गई है। तुझसे क्या मतलब? तुम्हारे जैसे लड़कियों के पीछे घूमने वाले को क्या कहते हैं पता है? नहीं पता, बताना क्या कहते हैं? उसे टपोरी कहते हैं। ए, तूने मुझको टपोरी बोला? समझ ले तू तो अब गया, मुझसे पंगा ले रहा ना तू? काट डालूंगा तुझे, याद रखना। ए, 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 क्या तू मुझे मारेगा क्या? ए, मुझे हाथ भी लगाया ना तो मेरे दोस्त छोड़ेंगे नहीं तुझे। ओए, तू खुद को इस एरिया का दादा समझता है क्या? लेकिन वो तुझे देख के लगता नहीं है। और हाँ अगर आइंदा तू उसके आस पास भी नजर आया ना तो सोच ले तेरा क्या करूंगा। तुझे टपोरी कहा उसने? हाँ यार ठीक ही तो बोला उसने। कौन है रे वो? वो तो यही जानता होगा, उसने टपोरी कहा है इसे। ए, लगता है उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए ऐसा कह रहा है। देखते हैं आने तो दे। वैसे वो कहाँ है अभी? सामने बिल्डिंग में गया है, बस आने वाला है। यार वो देख आ रहा है। श्री। hey, विक्रम तू यहाँ कैसे? अबे तू यहाँ कब आया? बस 10 दिन पहले। 10 दिन से यहीं पर है? हाँ यार। अरे हाँ तू तो किसी लड़की के साथ रह रहा है ना? Hey, कॉलेज में जब तुझे एक लड़की प्रपोज करने आई थी तो तूने कॉलेज ही छोड़ दिया था। Hey. तो अब कैसे लड़की के साथ? अरे बताता हूँ ना। चल ठीक है मेरे दोस्तों से मिल। ये दास है। हाय। हे हाय। ये विजय है। हेलो ब्रो। और ये राजू है। और ये है मेरा कॉलेज फ्रेंड श्रीधर। ओए तो ये तेरा दोस्त है? हाँ क्यों? कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करता है। क्यों बे? क्यों इसे परेशान करता है? अब वो क्या है ना, लड़की की इच्छा के बिना उसका पीछा करने वाले को लोग टपोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। चल छोड़ना यार, ऑफिस का टाइम हो गया है, चल निकल। और बता क्या चल रहा है? वो सब छोड़, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, शॉपिंग करने चले गया। मुझे भी तेरे साथ चलने की इच्छा है यार, मैं और तू मिलकर कॉलेज में क्या घूमते थे। तू आ रहा है या नहीं? भाई मैं सच कह रहा हूँ, अभी अर्जेंटली एक काम है, शाम को जरूर मिलूंगा, गलत मत समझना प्लीज। ठीक है छोड़ना। ओके चल मिलते हैं।
जॉन बोलो। बॉस अभी फ्री है, नकुल सर को अगर ठीक लगे तो शाम को क्लब में मिलते हैं। ओके बाय। ए, हम कहाँ जा रहे हैं बता ना। ए, चुपचाप बैठा रहे। ये माइक्रोफोन है, इसका ट्रांसमीटर लेटेस्ट है और पूरी तरह से अपडेटेड है, और इसकी रेंज भी काफी अच्छी है। इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है? एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका क्या करेगा तू? बताता हूँ। ठीक है तो निकल, मुझे जरा काम ठीक है। ए, क्या परेशानी है तेरी, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अच्छा एक बात तो बता, बैंक से तुझे इतने फोन क्यों आते हैं? इतने सारे पैसे तूने कहाँ खर्च किए? अब क्या है, पैसे कहाँ खर्च किए वो जानना है, बस इतना ही ना। लालच में आकर घोड़े के रेस में पैसे लगा दिए और वो मैं हार गया। इसमें मैंने कितने रुपए खोए हैं? 27 लाख रुपए। रेस में जीतने वाले घोड़े का पता लगाना एक अलग ही स्किल है, इसलिए बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है। रेस को मैं लक की नजर से नहीं देखता, बस कैलकुलेशन के हिसाब से देखता हूँ। हर बार हारने पर लगता था मेरा ही कैलकुलेशन गलत है, लेकिन वजह कुछ और ही थी। और वो वजह क्या थी ये मुझे थोड़ा लेट पता चला जब मैं रेस को उसके टॉयलेट में गया था। माइकल राज, पहली बार शर्मा को वहीं देखा था। तुझे मेरी जान और घोड़े की जान में फर्क नहीं दिखता? इट्स नॉट अ गेम माइकल, इट्स अ रेस। हियर ओनली विनिंग मैटर्स। उसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। माइकल लगता है तुझे रेस की ABCD सिखानी पड़ेगी। उस दिन रेस में लास्ट मिनट पर टस्कन नाम की घोड़े की ना दौड़ने की वजह शर्मा और माइकल राज की दुश्मनी थी और कुछ नहीं, शर्मा का घोड़ा ही उस रेस में जीता था। रेस कोर्स या फिर क्लब, यही शर्मा की दुनिया है। वहां मैंने माइकल राज को देखा। माइकल राज के घोड़े टस्कानो को मारने वाला शर्मा ही है। जीतने वाला घोड़ा पहले ही डिसाइड करके वहां फिक्सिंग हुई है ये बात मुझे पता चली। फिक्सिंग में दोनों के बीच मन मुटाव हो गया था। माइकल क्या प्रॉब्लम है? अरे रेस में दौड़ने वाले घोड़े को अस्तबल में ही गोली मार दी इसने। तो क्या करता, मेरी जान चली जाती तो ठीक था। तुझे डर था कि तेरा घोड़ा रेस में हार जाएगा। माइकल राज, सिर्फ इतना ही नहीं, नवंबर 26 को होने वाली रेस में जीतने वाले घोड़े को किंग ऑफ रेसिंग हॉर्स नाम का मेडल मिलेगा ये सोचा था। लेकिन यहाँ जीतने वाले घोड़े को इंडिया में होने वाली इंटरनेशनल रेस में फिक्सिंग करके उस घोड़े को हराने की कीमत 4 करोड़ है, ये बात मुझे उसी दिन पता चली थी। सोचा था रेस से जुड़ा कोई क्लू मुझे उस क्लब में मिलेगा, इसलिए उस डिवाइस को मैंने वहां फिक्स किया। वेलकम सर। शर्मा, हेलो, प्लीज। आपके बारे में बहुत सुना है सर। रेस कोर्स में 5 साल पहले सबसे बड़े खिलाड़ी आप ही थे। मुझसे मिलने की कोई खास वजह? जरूरत। किस टाइप के हैं आप, घोड़े की तरह या लायन की तरह? मैं थोड़ा ओपन टाइप का हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद एक सवाल करूंगा। उसका जवाब अगर आपने दिया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। मफिन बनाने वाले एक आदमी ने एक चूहे को पाला। उसने चूहे का नाम वॉल्टर रखा। उसी की गली में एक बिल्ली रहती थी। उस बिल्ली का नाम उसने नहीं रखा, वो बस स्ट्रीट कैट थी। एक दिन वॉल्टर की स्मेल उस तक पहुंच गई और बिल्ली घर तक चली आई, लेकिन चूहा पिंजरे में एकदम सेफ। और बिल्ली चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब आता है मेरा सवाल, पिंजरे के अंदर रहने वाला चूहा होशियार है या उसकी स्मेल को सूंघती हुई आई बिल्ली होशियार है? बिल्ली। देन आई एम द राइट।
मैं समझ गया आप यहाँ किस लिए आए हैं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नवंबर 26 को घोड़ों की रेस में मेरा घोड़ा ब्लड रेंज शामिल हो रहा है। मेरे घोड़े को कोई नहीं हरा सकता एक्सेप्ट तुम्हारे घोड़े माया के अलावा। मैं चाहता हूं कि टाइटल विनर ब्लड रेन हो, जिसके लिए तुम्हें अपना घोड़ा पीछे लेना होगा। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? कितने चाहिए? फाइव इंटू टेन 50 लाख। चेक नहीं, कैश चाहिए। इस तरह की डील में आंखों से पैसे देखने के बाद ही भरोसा होता है। कैश पहुंच जाएगा। मैं पैसे गिंडी के ग्रीन गार्डन रेस्टोरेंट में लूंगा। माया के घोड़े की कीमत फिक्स हो गई है। उस पे इस रेस में करोड़ों लगने वाले हैं, और कौन सा घोड़ा जीतेगा ये बात उस 350 रुपए के डिवाइस ने मुझे बता दी। मतलब ब्लड रेन ही जीतेगा? अगर शर्मा के हाथ पैसे लग गए तो श्योर शॉट ब्लड रेन ही जीतेगा। भाई सर, पेट्रोल 1000 रुपए का। टैंक ओपन कीजिए। सर टैंक ओपन करने को कहा। ये लो। थैंक यू सर। सर दूध। सर क्या कहा? दूध? हाँ सर। किसने बोला? मेरा नहीं है, चल जा। सॉरी सर। सर दूध आपने ऑर्डर किया था ना? यस। प्रभा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। चाबी आंटी को दिए बिना ही निकल गए ना? नहीं, बस बगल में कॉफी पीने आया था, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके। हे, कौन है ये इस उम्र में दूध पी रहा है? हाँ सर बोलिए। रेस्टोरेंट में हो ना? हाँ सर। वहां से निकल के फौरन अस्तबल में आ जाओ। ठीक है सर, पहुंचता हूँ। हे, चल निकलते हैं। ए, ये कहाँ जा रहे हैं? क्या करें? ए, पुलिस। जरा अंदर जाकर देखें। तेजा है ना? फिर साथ और कोई भी आया है क्या? जाओ पीछे का रास्ता चेक करो। ये सारे रेस वाले फिक्सिंग कर रहे हैं। तुम अंदर जाओ और तुम बाहर रुको। हे, गाड़ी का नंबर नोट किया है ना? वो
कार जा रही है यार। यार दो के बीच में कोई तीसरा पैसे लेकर चला गया। गाड़ी का नंबर याद है क्या? T45AB 1116। मेरी बात सुनो, कार अगर राइट में गई होगी तो जवाहर नगर स्ट्रीट या देवनगर स्ट्रीट से निकलकर पार्क की तरफ बाहर निकलेगी। तुम पार्क के एंट्रेंस पर वेट करना, कार को देखते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? और सपोज कार लेफ्ट में गई होगी तो अपने के नगर की तरफ जाकर टेलीफोन एक्सचेंज से बाहर आ जाएगी। तो टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर ही वेट करना, कार देख के फोन करना। मेरी बात ध्यान से सुन, एक रेड कलर की स्विफ्ट TN45AP1116 की नंबर की कार वहां पे आ रही है। क्यों, क्या हुआ? अरे बताता हूँ, तब तक नजर रख। स्टेशन के पास हो यार। कार जब वापस आएगी तो पक्का केके रोड या स्टेशन रोड से ही आएगी। कार में 50 लाख रुपए हैं। कोई आदमी नहीं दिखा और ना ही पैसे आए। पैसा आ जाएगा। जब तक कैश आंखों से देख ना लूं भरोसा नहीं होगा। मैं थोड़ा अलग तरह का इंसान हूं। पैसा तुम्हें अपनी आंखों से देखना इतना ही ना। पैसा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। इंतजार करो। गुड इवनिंग सर। क्राइम ब्रांच को किसने इन्फॉर्म किया, कुछ पता चला? सर इंक्वायरी चल रही है, कल शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। पैसों के साथ गए लड़के अभी तक वापस नहीं आए। 5 साल के बाद मैं इस रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। ये सिर्फ रेस नहीं है, ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रेस से पीछे नहीं हट सकता। मुझे जीतना ही होगा। पैसा अब तक शर्मा के हाथों में नहीं पहुंचा है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तुम अपने आदमियों को मेरे ऑफिस में भेजकर पैसा लेकर शर्मा को पहुंचा दो।
Sure, sir. Do it fast. Sorry. Let's have dinner together. Thanks, bhai. ये ले। उसकी कार के डिक्की में पैसा है, उसे क्या पता नहीं चला होगा? तूने आखिरी बार अपनी कार के डिक्की कब देखी थी? सिटी में कार के डिक्की यूज करने वाले सिर्फ 10% ही हैं, तो बाकी के 90% में से वो नहीं हो सकता? जिसका पैसा है वो इसे ऐसे नहीं जाने देगा, वो अपने पैसे तो है नहीं। हाँ यार, वो मेरे पैसे नहीं है, रेस में घोड़े फिक्स करके बाकी लोगों को बेवकूफ बनाने वालों का पैसा है। 27 लाख रुपए मैंने रेस में गवाए हैं। रेस में घोड़ों की पहचान करना इतना आसान नहीं है दास। किस ब्रीड का घोड़ा है, क्या हिस्ट्री है, लास्ट रेस में उसका रिजल्ट क्या था, कौन ओनर है, कौन ट्रेनर है, कौन जॉकी है, यहाँ से लेकर घोड़े का बिहेवियर कैसा है, रेस में दौड़ने का मूड है क्या, जॉकी से कंट्रोल हो रहा है क्या, उसके शोल्डर्स कैसे हैं, किस गेट से दौड़ेगा, किस ट्रैक पर दौड़ेगा, ऐसे रेस में दौड़ने वाले सभी घोड़ों का रिकॉर्ड लेकर तब हम किसी एक घोड़े पर पैसा लगाते हैं और ये जीतने वाले घोड़े को पहले से फिक्स करके रखते हैं। नवंबर 26 को जो रेस होगी उसमें फिक्स हुए ब्लड रेन घोड़े पर ही हम पैसा लगाएंगे। भाई जरा साइड में रोकना। ओए विक्रम, ए क्या हुआ, कल मिलने के लिए बोला था ना, तू तो आया ही नहीं। अरे वो क्या है ना, सुबह से थोड़ा काम पर था, मैं भी तुझे फोन करने ही वाला था। अरे तेरा ऑटो वेटिंग पर है, पहले से टेंशन है, ऊपर से ये आ गया। ए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे भगाना चाहता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओए मैं तुझे कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, क्या प्रॉब्लम है बता मुझे। अब क्या है ना यार, वो बात ये बॉस, रहने दो ना बॉस, कुछ प्यार का मामला है। प्यार का मामला? कांग्रेट्स यार, मुझे मिलाना जरूर। हाँ चलो, ओके बाय। नाम विक्रम है, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया है, आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं भरा, क्या हुआ उसका? 7 महीने से उसे कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन वो हमारा फोन रिसीव ही नहीं करता है सर। नंबर बताओ उसका। 9644566732। यार मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्कआउट होगा। ओके भाई मैं निकलता हूँ, कार पे नजर रखना। ठीक है। सर मैं कहीं बिजी हूँ, जरा बाद में फोन करता हूँ। हेलो, मिनी क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो, फोन भी नहीं करते हो, पहले तो कितना मिलते थे, अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आज मिलोगे?
हाय। क्या हुआ, कोई मन्नत मांगी है जो ऐसी कड़ी धूप में बैठी हो? वैसे तो आगे पीछे घूमते थे, अब अचानक से गायब हो गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों, लड़की से मिलने जाओगे तो बहुत खर्च होगा, ऐसा किसी ने कहा है? कंजूस। क्या? तुम्हें ना बहुत खर्चीली बीवी मिलेगी। अच्छा। क्या देख रहे हो? अब कुछ नहीं। हेलो। हाँ बोल। कहाँ पर है? घर पर ही हूँ। अरे तू कब गई? मैं तो तभी ऑफिस कैब से आ गई। मैंने कहा था ना तुझसे कि आज शॉपिंग चलते हैं, भूल गई क्या? एक मिनट रुक, मैं डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप भी साथ चलोगी क्या? ठीक है, हाँ बस दो मिनट, ड्रेस चेंज करके आती हूँ। हाँ ओके। तुम नहीं खाओगे? मैं तो कभी भी खा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खाते देखना मैं मिस नहीं करना चाहता। कहाँ पर है? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? गुलाब जामुन? नहीं चाहिए। किसी लड़की के साथ गुलाब जामुन खा रहा है क्या? ए, हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं और तू वहाँ पर लड़की के साथ गुलाब जामुन खा रहा है? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, तू फोन रख। कुछ नहीं, जस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ? बैंक से कॉल है, जब देखो तब कार लोन लोगे, बाइक लोन लोगे, टॉर्चर करते रहते हैं। मुझे लोन लेना पसंद नहीं है मिनी। प्रभाव, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? दो तीन दिन पहले तुम्हें एक ताला लगे हुए घर में कूदते हुए देखा था। इफ यू डोंट माइंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये मेरा घर है, अपने माँ बाप के साथ यहीं पली बढ़ी हूँ, लेकिन अब ये मेरे पास नहीं है। ये हमारा गार्डन है। दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है ये पूछोगे तो मैं यही बताऊंगी। तुम्हें एक बात पता है, तब इस शहर में बटरफ्लाइज कहीं नहीं दिखाई देती थी, लेकिन हमारे घर के बगीचे में बहुत बटरफ्लाइज रहती थी। और यहाँ मैं और मेरे फ्रेंड्स सब मिलकर खेला करते थे। मैं यहाँ क्यों कूद कर आती हूँ यही पूछ रहे थे ना? मेरा ये घर अब बैंक के कब्जे में है, पापा ने गिरवी रखा था। मेरे पास 45 लाख होंगे तो ये घर मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन ये घर 26 नवंबर को नीलाम होने वाला है। मेरी सारी खुशियाँ इसी घर से जुड़ी हैं। पापा, बात करनी होगी। हाँ कहिए ना पापा। मिनी, कहाँ पर हो तुम? बस अभी क्लास खत्म करके वापस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कल सुबह ही आऊंगा, मैं रात को वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। देखो फ्रिज में दूध रखा है, उसे उबाल कर पी लेना, भूलना मत। और हाँ जल्दी सो जाना। ठीक है पापा, मैं पी लूंगी। हाँ, गैस भी बंद कर देना। मैं कर दूंगी पापा। रात को संभल कर रहना बेटा। पापा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सुबह आऊंगा बेटी। और हाँ वो दरवाजा भी ठीक से लगा लेना, तुम सुन रही हो ना? पापा मैं लगा लूंगी पापा। ठीक है बाय, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। पापा घर में नहीं है? नहीं है, कैंप पर गए हैं। ओके बाय बाय।
डोर ठीक से लगा लेना, संभल कर। थैंक्स। जा रही है, दूध उबाल कर पीना भूलना मत। थैंक्स। घर पर कोई नहीं है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक कप चाय मिलेगी? नहीं मिलेगी। कॉफी मिल सकती है। चूहा फंस गया। चूहा पकड़ने के बाद एक मिनट भी यहां नहीं रुकूंगा। अगर तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस है तो बताओ, मैं अभी चला जाता हूं। हम इसी के फंसने का इंतजार कर रहे थे ना, आज फंस ही गया। प्रभा, कल मैं यहां से निकल जाऊंगा। मत जाओ, रुक जाओ, बोल नहीं सकती। प्रभा, कल दिन में मुझे पैकिंग के लिए समय नहीं मिलेगा, तो मैं अभी ही पैकिंग कर लेता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बैठो, मैं भी आता हूं। ओके। ये गाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज भी पुराने गाने सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप एक्चुअली इसे फील कर सकते हैं। अरे वाह, गानों के बारे में बहुत जानती हो। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। बात करते करते पास आ गया। ए, क्या सोचा तुमने? कुछ गलत ही सोचा होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम क्या सोचकर इस तरह अचानक घूम गई। लेकिन मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? एक लड़की के साथ एक लड़का अकेला है तो तुम जैसा सोच रही हो वैसा होता तो है, बट मैं ऐसा नहीं हूं। अभी तो कह रहे थे मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं, तो ये सब क्या है? लाइट का आविष्कार करने वाले एडिसन पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाय बाय।
तो मैं निकल रहा हूँ। ओके। तुम्हारा थैंक्स। किस लिए? इतने दिन अपने घर में रुकने की परमिशन दी इसलिए। एक मिनट रुको, तुम्हें चूहा पकड़ने के लिए नहीं रोका था, तुम मेरे फ्रेंड के भाई हो, तुमने मुझे गलत समझा था, अब मैं क्या हूँ ये तुम्हें पता चल गया, तो अब और कोई गलत फहमी नहीं है ना? मुझे इस चूहे की वजह से मिले हैं, सोचता हूं तो मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। मैं क्यों जाऊं? वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूं, ये कहने में गलत क्या है? अगर वो खुद मुझे जाने के लिए कहे तो भी मुझे जाना नहीं चाहिए। तरह से मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, वैसे तुम भी मुझसे दूर नहीं रह सकती, मुझे पता है। अब तक फ्रेंड्स, क्लासमेट, कितने लोगों को मिस किया है मैंने, लेकिन ऐसा कभी फील हुआ ही नहीं मुझे। अचानक इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है प्रभा। इतना खुलकर आज तक मैंने कभी किसी से बात नहीं की और ना ही इतना जल्दी कभी कोई डिसीजन लिया है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ प्रभा, मैं तुमसे। तुम्हारा चार्जर। मैं तुमसे पूछ रहा था कि और थोड़े दिन तुम्हारे घर पर रुक सकता हूं क्या? रानी आंटी कल घर पर नहीं होंगी तो तुम चाबी राघव अंकल के घर छोड़कर जाना, ठीक है? स्टेशन में ही है सर। पैसों का क्या हुआ पूछा? जब इन्हें अरेस्ट किया था इनके पास कोई बैग नहीं था। इंक्वायरी से पता चला कि पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही रेस्टोरेंट के सामने खड़ी एक कार की डिक्की में इन्होंने उस बैग को रख दिया है। इन्हें अगले 10 मिनट में आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा सर। ओके। ऐसे चाहिए होते तो मांग लेते, धोखा क्यों दिया? मैंने तुम पे भरोसा किया था भाई, उन पैसों को हमने नहीं लिया, पुलिस से बचाने के लिए कार की डिक्की में डाल दिया। आपका नंबर TN45AP 1116 का रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो इसी शहर में है भाई। ये कैसे कह सकते हो? उसे फोन कॉल आया था, उसने बोला कि 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, पक्का वो रेस्टोरेंट के आसपास ही रहता होगा भाई। भाई कैसे भी हो उन पैसों को 2 दिन में ला कर आपको दे दूंगा भाई। जाते हो मैं तुम पे भरोसा करूँ? बिल्कुल भाई, पहले पैसा आएगा उसके बाद। मणि ध्यान रखो इनका। ए, ऐसा हो जाएगा सोचा भी नहीं था। त्रिची का रजिस्ट्रेशन RTO में बोल दिया है, शाम तक सब मालूम चल जाएगा। तुम लोगों को क्या लगा पूरा पैसा अकेले खा जाओगे? नहीं भाई,
भरोसा कीजिए भाई। लेकिन भाई देखते हैं। हेलो विक्रम, एजेंट शंकर बोल रहा हूँ। तुम्हारी प्रोफाइल कल सिविल में जा रही है। सिविल क्या है पता है? या मैं तुम्हें समझाऊं, किसी भी बैंक से तुम जिंदगी भर कोई लोन नहीं ले पाओगे। विक्रम, इस जनरेशन के लोग बिना बैंक की मदद के कैसे जी सकते हैं? एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, कल शाम तक पैसे भर दो। सर, सर प्लीज सुनिए तो। तुमसे कितनी बार कहा कि इस लड़की को अंदर मत आने देना? सर आपने बुलाया था कहकर अंदर चली गई। सर प्लीज ऐसे चिल्लाइए मत। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, मैं जितना भी आपके लिए कर सकता था मैंने आपकी मदद कर दी। इससे ज्यादा करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, थोड़ा तो समझिए। एक आखिरी ऑप्शन है आपके पास, इंटरेस्ट के 8 लाख भर दीजिए, मैं नीलामी रुकवा दूंगा। दस लाख रुपए कंपनी के अकाउंट से डेबिट हुए हैं। पैसा अब तक इनके अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो पैसा गया कहां? सर कहां है विक्रम? उसके आते ही मुझसे मिलने के लिए कहना। तुम्हें 10 लाख रुपए इन्हें देने थे ना, क्या किया उन पैसों का? वो सर मैं तुम बहुत शातिर हो मैं जानता हूं। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, चुपचाप सारे पैसे दो और निकलो यहां से, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ बोलो। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, कब आ सकते हो? ए, इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या जल्दी? वो किसी और लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी के लिए हाँ कह दूँ या तुम आ रहे हो? ठीक है आता हूँ, कब आना है? कल दोपहर 12:30 बजे। ओके बाय। वेट करूंगी। सर आप कंपनी के अकाउंट्स में काम करते हो? हाँ, करता हूं। तो वहां बोलकर आप मेरे लिए 8 लाख का लोन दिलवा सकते हो? क्या कहा, 8 लाख का लोन चाहिए? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अर्जेंटली किसी को 8 लाख की जरूरत पड़े तो वो क्या करेगा? एक ऑप्शन है, तुझे बताऊं क्या? चोरी करनी होगी या अपनी कोई चीज बेचनी होगी, दैट्स इट। पापा तुमने जो बताया था ये वही है क्या? हाँ पापा, यही विक्रम है। हेलो सर। बैठने को बोलो, अभी आता हूँ। कहाँ नौकरी करते हो? मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंट सेक्शन में हूँ। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्यों, बैंक बैलेंस होगा तो ही शादी करवाओगे? सेविंग नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उधार तो नहीं होना चाहिए ना। SBI में 3 लाख, ICICI में 5 लाख, IOB में 3 लाख, सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं और सभी का कर्जा है तुम पर। मैं जोसेफ, यहाँ के SBI बैंक का मैनेजर। सोच रहा हूँ मेरी ब्रांच ने तुम्हें आखिर क्रेडिट कार्ड कैसे दे दिया, और तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी दे दूँ? पापा, नवंबर 26 के पहले सभी क्रेडिट कार्ड्स के बिल क्लियर कर दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसी 26 तारीख को मैं अपनी बेटी की सगाई किसी और से कर दूंगा। पापा जो कहते हैं वो करते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया ना। क्यों, इतने पैसों का क्या किया तुमने? नवंबर 26 से पहले सारे पैसे भरकर मेरे घर रिश्ता मांगने आ जाना। मेरे पापा अपने आगे किसी की नहीं सुनते, वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, और उनके आगे मेरी भी नहीं चलती। प्यार ही प्यार है, दिल की पुकार है, तू ही मेरा संसार है। सारी कहानी ये जिंदगानी, तेरे बिना बेकार है। चलती है
सर, क्लाइंट से मैंने बात की है, इस गाड़ी का 4.5 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाएगा सर। फिर आपको एजेंसी में गाड़ी बेचनी है, इसलिए सही रेट नहीं मिल पाएगा सर। आगे आपकी मर्जी सर। सर चाबी? सर लास्ट टाइम एक राइड लेकर आ जाऊं क्या? सर आपकी गाड़ी है, जाइए ना। तेरी जुदाई अब मैं सह न पाऊंगा कभी, ओ जाना तेरे बिना एक पल भी रह न पाऊंगा कभी, ओ जाना तेरे बिना ये जीवन जी न पाऊंगा कभी, ओ जाना तेरे बिछड़ पैसे? अरे बोलने तो काट डालूंगा इधर ही। पता नहीं भाई। पता है कि नहीं? अरे बोल काट पैसे, बोल। बात क्या हुई थी? कौन थे वो लोग? झगड़ा क्यों कर रहे थे? पता नहीं भाई, अचानक सामने आकर झगड़ने लगे। ओ ठीक है, जाके शर्ट बदल ले, बाहर मत निकलना। कोई परेशानी हो तो फोन करना। तुम वही रहना, मैं 10 मिनट में आया। कोई जरूरी काम है क्या? ऐसा नहीं है, किसी बात पर डिस्कस करना है तुमसे। मैं आ रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। हाँ
आओ। ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ चले आए? पता नहीं अगली दिवाली मेरा ये घर यहाँ होगा या नहीं। शायद यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाए, इसीलिए मैं यहाँ दीप जलाने आ गई। मेरी बात सुनो, कब क्यों कैसे ये मत पूछना, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है। ये घर कल नीलाम नहीं होगा और पहले की तरह तुम्हें कूद कर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सारे पैसे चुका सकते हैं। कैसे? मैंने अभी कहा था ना, कब क्यों कैसे ये सवाल नहीं पूछोगे। तो चलो चलते हैं। कैसे हुआ ये सब, कुछ तो बताओ ना, थोड़ी सी हिंट तो दो ना। मैंने क्या कहा था, इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगी। मुझे पता भी नहीं है तेरे बारे में, फिर हम झगड़ा क्यों करें? चुपचाप पैसे दे दे बस। कौन से पैसे? ए, ये तेरी आइटम है ना, मार दूँ इसे। पैसा चाहिए ये लड़की, तू खुद ही फैसला कर ले। ओए, तेरा पैसा डिक्की में पड़ा हुआ है, चल ले ले। ए, 50 लाख हैं। ए विकी, कल की रेस में सारा पैसा फिक्स्ड घोड़े ब्लड रेन पर ही लगाएंगे, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए अपना घोड़ा पीछे हटा लिया है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अगर यही घोड़ा इंटरनेशनल में ड्रॉ करते हैं तो 4 करोड़ के ऊपर मिलेगा, वो अच्छी तरह जानता है। और वो 50 लाख में अपने 1 मिनट। हाँ बोलो। आप रेस्टोरेंट में पैसे देने वाले हैं, ये बात क्राइम ब्रांच को बताने वाला और कोई नहीं, शर्मा है। शर्मा को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इस रेस में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तक उसने अपने घोड़े से बेटर घोड़ों को रेस में शामिल ही नहीं होने दिया। Thank you.
कहाँ रह गया था? टाइम हो रहा है ना? चलो जा। Then there is a Mr. Grey along with the Queen Maya and Blood Rain. And the one, the outside eye in this race is just the woman who's running for the first time in its career. Also, is appearing in the paddock now for the big race of the afternoon. And that is number 8, Queen Maya, one of the big favorites in this race. Trainer and owner of Queen Maya, Mr. Sharma there. And here comes Mr. Nagulan. Order of Blood Rain, horse number 11. Horse number 11 is also looking absolutely majestic. After 5 years, he had given a 5 years break from racing and is back to racing after 5 years. Just a moment, we don't know what this capacity is. Running for the first time in his career, that's it. That's very well. The jockeys are ready to take the leg up on their horses, and then shortly the horses will be leaving out the paddock. सुन, तूने जानकर पंगा लिया था ना? सॉल्व नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, चल फोन रख। तूने मेरे ही घोड़े को गोली मारी, लेकिन वो ब्लड रेन नहीं था। तो किस टाइप का आदमी है पूछा था ना? मैं बताता हूँ। नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है। एक बकरे को काट कर बड़े से वुडन बॉक्स में रखते हैं, उसमें एक छेद करते हैं 2 महीने में एक बार। 6 महीने बाद उस वुडन बॉक्स को ओपन करो तो उसमें से खा खा के एक जायंट साइज का बहुत बड़ा कीड़ा पैदा हो जाता है। तू वही कीड़ा है। एक काम कर, रेस में तेरा ही घोड़ा जीते ऐसी प्रार्थना कर। जिंदा तो बचा रहेगा कम से कम। काट दो। तुम कितना लगा रहे हो? 45 लाख। कौन सा घोड़ा? Fixing confirm, and why not? The winner of this Chennai Grand Prix will be going to Mumbai for the World Championship Trophy. Pucha kyun? Dekh liya na, ladki ko pakad ke rakha tha, isliye aa raha hai. Hey, jaakar bag lekar aa.
बैग में सिर्फ किताबें, पैसे नहीं है। ए, ये क्या नाटक कर रहा है? श्रीधर, तू और तेरी कार को वो लोग पहचानते हैं। तुझे ढूंढते हुए पक्का वो लोग इस फ्लैट तक जरूर आएंगे। जब तक वो पैसा तेरे हाथों में है, तब तक तेरे लिए रिस्क है। 16 घंटों के लिए अगर तू रिस्क लेने के लिए तैयार है तो हम सबकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करके उसने पैसे दे दिए। पैसे मेरे पास आते ही मैं सीधे शर्मा के बार में गया। शर्मा को अपने घोड़े क्वीन माया पर बहुत ही गुरूर था, लेकिन वो फिक्सिंग के लिए कैसे मान गया इस बात का मुझे डाउट था। बार में जब मैं पीकर बाहर निकलने लगा तभी तू हाँ या ना में भी तो जवाब दे सकता था। रेस्टोरेंट में तुझे पैसे मिलेंगे ये बात तू नहीं क्राइम ब्रांच तक पहुंचाई। दुनिया में सबसे बड़ी गलती है किसी को धोखा देना। मैंने तुझे पीछे हटने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि मेरा घोड़ा हार जाएगा, बस मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता था। कल होने वाली रेस में घोड़ों को लाइव छोड़ा जाएगा। तूने ये सब जीतने के लिए किया था ना, तो जीत कर दिखा। सुन, देखते हैं किसका घोड़ा जीतता है। रेस में मिलेंगे। मैंने जैसा सोचा था, नकुल और शर्मा के बीच पंगा था। फिक्सिंग के बिना लाइव रेस में खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था।
यूनिक हॉर्स को चूज करने के लिए। जब मैंने अपनी कैलकुलेशन अप्लाई करके देखी तब इस रेस में फर्स्ट टाइम दौड़ने वाला घोड़ा जस्ट अ मूवमेंट का आखिरी अपडेट हुआ। ट्रैक रिपोर्ट, गेट प्रैक्टिस, ओनर ऑफ द हॉर्स, बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर से एक आवाज़ आई कि जस्ट अ मूवमेंट ही विनिंग हॉर्स है। 45 लाख को जस्ट अ मूवमेंट पर बेट किया। माई कैलकुलेशन एंड लक फेवर्ड मी। गैंबलर्स हमेशा लूजर्स नहीं होते। अबे क्या हुआ यार? रुक ना। मैंने कहा था ना कि तेरा घोड़ा नहीं जीतेगा, मेरा जीतेगा। जीत गया ना आखिर। Damn it. The game is not over. यार, प्रभा का घर कल नीलाम होने वाला है। सुन, ये पैसे ले जाकर नीलामी में बोली लगा और प्रभा के घर को खरीद ले। अभी श्रीधर बहुत ही प्रॉब्लम में होगा। जो पैसे मिले हैं उसमें से 50 लाख नकुल की कार के ऊपर रख दिए। हाँ बे, कार के डिक्की में ही पैसा था। मैंने ना कब कहा, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी प्रभा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसे मेरे पास ही हैं। बीच में किसी ने खेल खेलने की कोशिश की थी। तुम लोग लौट आओ। मैंने जैसे सोचा था, श्रीधर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमेशा रिस्क में भी एक किसी जरूरी होता है। And I like that। जुआ खेलना इंसान का पर्सनल फैसला है, लेकिन खेलने वाले को फ्रेंड्स, फैमिली, लव ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो तो किसी ना किसी तरीके से जुआ सबको बर्बाद कर देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे घर के पेपर मेरे हाथ में हैं। थैंक यू श्रीधर। कल मैं अपने घर जाने की सोच रही हूँ। तुम उस दिन कुछ कहने जा रहे थे, मैंने रोक दिया था। अब तुम वो फिर से कहोगे या मैं ही कह दूँ? अब बैंक से कोई फोन नहीं आते क्योंकि सारे लोन मैंने चुका दिए हैं। मिनी के पापा ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तुम्हारे पापा पहले से ऐसे ही हैं क्या? उस दिन 500 रुपया देकर मुझसे हिसाब ले रहे हैं कि क्या क्या खरीदा था। अरे मैं अपने लिए अंडरवेयर भी नहीं खरीद सकता क्या? बैंक मैनेजर की बेटियों से कभी प्यार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार में भी वो हमेशा कैलकुलेशंस करती रहती है।